नमस्कार, साई सन स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज फिर मैं बापू की सीख के साथ हाजिर हूँ और लेसन ऑफ ऑनरेबल गांधी जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर मानव जीवन में ऐसा होता है कि दूसरों के अंदर जो कमी है वो हमें दिख जाती है और उसकी चर्चा करना, उसके बारे में लोगों से कहना, उसको कमेंट करना बहुत इजी टास्क हम लोगों के लिए होता है। लेकिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है और ऐसा शायद ही कोई करना चाहता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातचीत करूंगा जो कि एक पिता हैं और दो बच्चों के पिता हैं और मेरे दोस्त भी हैं। एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सुख सुविधाओं की भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन बच्चों के जो रास्ते हैं, जो उनकी बुद्धि है, जो उनका संगत है, वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, डांटता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता है। बच्चे चरित्र में भी अच्छे नहीं हैं, मैनर्स भी उनका पुअर है और ड्रग एडिक्ट भी हो चुके हैं। नशा करते हैं, देर रात तक घूमते रहते हैं, उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि माता पिता चिंता कर रहे होंगे हमें समय पर घर जाना चाहिए या फिर हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ये गलत है, या फिर इन सब चीज़ों में पैसे वेस्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके लिए पैसे हमसे ही लेते हैं। तो इस तरह से डिस्कशन हुआ। काफ़ी बेचारे वो रो रहे थे, काफ़ी उदास थे और मैंने उनकी बात को सुना तो मैंने उनसे एक ही बात कहा कि बच्चों की कमी तो आपको दिख रही है, उनकी बुराइयां आपको दिख रही हैं, लेकिन क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आपके अंदर कोई डिमेरिट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट है कि नहीं है? तो थोड़ी देर के लिए वो साइलेंट हो गए और साइलेंट होने के बाद 10 मिनट लगा उनको करीब करीब, तब उन्होंने आंसर किया कि नहीं, मैं भी पूरी तरह से प्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं। तब मैंने उनको कहा कि आज से आप एक कोशिश करो कि आप जो है अपनी कमियों को कंट्रोल करना शुरू करो, उसको छोड़ने की कोशिश करो। हालांकि ये आसान काम तो नहीं होता है, किसी भी बात को कह देना बहुत ही आसान होता है, उसको अमल में लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज से आप कोशिश करिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा, मैं किसी तरह का नशापान नहीं करूँगा, मैं पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करूँगा। इसकी कोशिश करनी है आपको। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, बहुत समय लगेगा आपको, लेकिन आप जैसे रात को सोते हैं तो आप फैसला लेकर सोएं कि कल जो दिन होने वाला है, ये कल का जो दिन होगा उसमें मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। कोशिश करिए। इस तरह से हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन हुआ और करीब करीब
दो महीने के बाद हम लोग फिर मिले और मिलने के बाद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उनके बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्या डिमेरिट है, उसके बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। और उन्होंने इस बात को बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेईमानी नहीं करूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं किसी तरह का नशा नहीं करूँ, और इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर हमको देखने को मिल रहा है कि मेरे बच्चे भी, जो पहले मुझसे बात ही नहीं करते थे, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, मेरे पास बैठ जाते हैं और कभी कभी मेरी बात को मान भी लेते हैं, तो ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो अब आते हैं बापू की सीख पर। महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। गांधी जी का बहुत ही बड़ा नाम था और एक बच्चा था जो काफ़ी मिठाई खाता था और इतना मिठाई खाने के वजह से, स्वीट लेने के वजह से उसके शरीर में कई तरह के घाव निकल रहे थे, वो बीमार हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने उसे मना किया कि तुम मिठाई कम खाओ, चीनी कम खाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था, किसी की बात को नहीं सुन रहा था। तब उसकी माँ को किसी ने ये सलाह दिया कि आप इसे बापू के पास लेकर जाइए, आप इसे गांधी जी के पास लेकर जाइए, वो इसके सर पर हाथ रख देंगे तो ये मीठा खाना छोड़ देगा। वो औरत को ये सुझाव अच्छा लगा, वो गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेकर गई। औरत ने बापू को नमन किया, प्रणाम किया, बच्चे ने भी बापू को प्रणाम किया। बापू ने पूछा, कहिए आपकी समस्या क्या है। उस औरत ने अपनी समस्या को बापू के सामने जाहिर कर दिया। बापू ने उसकी समस्या को सुना और बोला कि आप 1.5 महीने के बाद मेरे पास आइए। औरत बोली कि चलो ठीक है, बापू कह रहे हैं तो इनकी बात को मानना ही चाहिए। वो औरत घर पे चली गई और पूरे 1.5 महीने के बाद दोबारा फिर वो औरत अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के आश्रम पहुंच गई उनसे मिलने के लिए। गांधी जी उसे देखते ही पहचान गए, उसको बैठाया और बालक को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार भरे शब्दों में कहा कि बेटा, चीनी खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम भी बीमार हो रहे हो और तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही है। ज़्यादा चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे ने बड़े प्यार से बापू के शब्दों को सुने, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया और अगले दिन से बच्चे ने चीनी खाना छोड़ दिया। उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो किसी का बात सुनता नहीं था, मानता नहीं था, एकाएक ऐसा चमत्कार क्या हो गया। फिर वो औरत दोबारा गांधी जी से मिली और बोली कि बापू, आपको इतना सिंपल काम करना था तो आपने 1.5 महीना टाइम क्यों लिया। आप उस दिन भी कह देते तो मेरा बालक जो है मीठा खाना छोड़ देता। तो बापू ने उस औरत को समझाते हुए ये बात बताई कि उस समय मैं खुद भी चीनी खा रहा था, खुद भी मीठा खा रहा था, तो मैं कैसे आपके बच्चे को ये बात कह देता कि तुम मीठा खाना छोड़ दो। 1.5 महीनों में मैंने चीनी का त्याग कर दिया, मैंने मीठा का त्याग कर दिया, मैंने किसी प्रकार की कोई मिठाई नहीं खाई। और तब मैंने इस बात का निर्णय किया, इस स्थिति में पहुंचा कि उस बालक को मैं कह पाया। तो इसी तरह से कोई भी अच्छी बात जो होती है, जो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए, तुम सच बोलो, तुम समय पर अपना काम करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, हिंसा मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन ये बात कह देते हैं। लेकिन हम कितना उसको फॉलो कर पाते हैं, इस बात पे हम सोच ही नहीं पाते। जिस प्रकार
दो बच्चों के पिता ने अपने आप को सुधारना शुरू किया, अपने आप को अच्छा बनाना शुरू किया, तो उस रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिस प्रकार बापू के कहने पर उस बालक ने मीठा खाना छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये खुद की तपस्या है, खुद का सुधार है। अगर हम अपने जीवन में स्वयं का सुधार करें तो समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, और यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो अपने आप को ठीक करना आपके कंट्रोल की बात है, मेरे कंट्रोल की बात है। सामने वाले को बदल देना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप सच बोल सकते हैं, आप सच बोलने की कोशिश कर सकते हैं, और जब आप सच बोलोगे तो सामने वाला आपसे इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो खुद भी सच बोलने लगेगा। तो जिस प्रकार कोरोना महामारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी नेकी है, जो उसका गुड बिहेवियर है, जो उसके सॉफ्ट वर्ड्स हैं, वो भी एक दूसरे से फैलते हैं। मैं एक सज्जन व्यक्ति के साथ रहा था जो नॉन वेज नहीं खा रहे थे, और 7 दिन मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई कि जहाँ भी नॉन वेज बन रहा था वहाँ पर महक से हमको जाने का मन नहीं कर रहा था। तो जिस कंपनी में आप रहते हैं, जिस संगति में आप रहते हैं, उसका असर ज़रूर होता है। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा अच्छा। आप भला तो जग भला। धन्यवाद।